हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जीके में। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं द यूज ऑफ अपीयर्स, सीम, लुक्स, स्मेल और टेस्ट से जुड़े सेंटेंसों के ऊपर चर्चा होगी इस वीडियो पर। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सबकी मीनिंग क्या होगी। तो हमारा पहला वर्ड है अपीयर्स। तो अपीयर्स का मतलब हो जाएगा, अपीयर्स मीन्स होता है दिखाई पड़ना। अपीयर्स का हिंदी में मतलब हो जाएगा दिखाई पड़ना। और अगला वर्ड है सीम। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, प्रतीत होना। अगला मीनिंग है लुक्स। तो लुक्स का मतलब होता है दिखना या लगना, दिखना या लगना। अगला वर्ड है स्मेल। स्मेल का मतलब होता है सुगंध, है ना। और अगला वर्ड टेस्ट। टेस्ट मीन्स पता ही है आपको, स्वाद। बढ़ते हैं आगे। नोट जान लीजिए आप लोग, दीज वर्ब आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस टेंस। इन क्रियाओं का प्रयोग सामान्य रूप से कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं क्रियाएं? अपीयर्स, सीम, लुक्स, स्मेल, टेस्ट। स्मेल, टेस्ट, लुक्स, है ना, और सीम, अपीयर्स। तो ये जो क्रियाएं हैं इनका प्रयोग जो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना है आपको। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से आपको अच्छे से समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जैसे सुनील एक अच्छा लड़का दिखाई पड़ता है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, सुनील अपीयर्स टू बी अ गुड बॉय। दिखाई पड़ना अभी हमने आपको बताया था, इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? दिखाई पड़ना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपीयर्स, है ना, दिखाई पड़ना इंग्लिश में बोलेंगे अपीयर्स। तो इसमें अपीयर्स का यूज आपको करना है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? सुनील अपीयर्स टू बी अ गुड बॉय। ध्यान रखना है सबकी मीनिंग आपको। शीला एक चतुर लड़की प्रतीत होती है। प्रतीत होना, प्रतीत होना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीम, है ना। तो चलिए सेंटेंस में यूज कीजिए। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा? शीला एक चतुर लड़की है, शीला एक चतुर लड़की प्रतीत होती है, है ना, या लगती है। शीला एक चतुर लड़की लगती है, प्रतीत होती है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, शीला सीम्स टू बी अ क्लीवर गर्ल। अगला एग्जाम्पल है, तुम आज प्रसन्न लगते हो। प्रसन्न लगते हो, लगना या दिखना, लगना या दिखना के लिए आप यूज करेंगे लुक का। तो तुम आज प्रसन्न लगते हो, यू लुक चीयरफुल टूडे, यू लुक चीयरफुल टूडे। चीयरफुल मीन्स प्रसन्न। अगला एग्जाम्पल, गुलाब की सुगंध मीठी होती है। गुलाब की सुगंध मीठी होती है। तो चलिए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दीजिए। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, द रोज स्मेल्स स्वीट। द रोज स्मेल्स स्वीट। स्मेल्स मीन्स सुगंध, है ना, और स्वीट मीन्स मीठी। पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। नींबू का स्वाद मीठा नहीं होता है। नींबू का जो स्वाद है वो मीठा नहीं होता है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, द लेमन डज नॉट टेस्ट स्वीट। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, यह छात्र गणित में बहुत कमजोर प्रतीत होता है। यह छात्र
गणित में बहुत कमजोर प्रतीत होता है ना, प्रतीत होना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्रतीत होना को? सीम्स। तो चलिए सीम्स का यूज सेंटेंस में कीजिए। दिस स्टूडेंट सीम्स वेरी वीक मैथमेटिक्स। अगला सेंटेंस है, रामू बुद्धिमान विद्यार्थी है। रामू बुद्धिमान विद्यार्थी है, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, रामू बुद्धिमान विद्यार्थी प्रतीत होता है। तो प्रतीत होना के लिए आप इंग्लिश में लिखेंगे सीम। तो रामू बुद्धिमान विद्यार्थी है, तो रामू सीम्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, यह सेब ताज़ा दिखाई पड़ता है। यह सेब ताज़ा दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ना, दिखना, लगना, है ना, दिखना या लगना, दिखना या लगना के लिए आप लगाएंगे लुक्स का यूज। तो चलिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दीजिए। दिस एप्पल लुक्स गुड। अगला क्वेश्चन, अध्यापक महोदय आज नाराज प्रतीत होते हैं। प्रतीत होना के लिए आप यूज करेंगे इंग्लिश में, है ना, सीम्स का। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, टीचर सीम्स एंग्री टुडे। अगला क्वेश्चन, तुम नटखट लड़की लगती हो। तुम नटखट लड़की लगती हो, तो दिखना या लगना के लिए आप लुक का यूज करेंगे। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कीजिए। तुम नटखट लड़की लगती हो, यू लुक नाटी गर्ल। अगला क्वेश्चन, वह उदास दिखाई देता है। वह उदास दिखाई देता है, हमने आपको पहले ही बताया था, दिखना या लगना के लिए आप लुक्स का यूज करेंगे। तो चलिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दीजिए, ही लुक्स सैड। वह उदास दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, तुम बीमार लगते हो। तुम बीमार लगते हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम बीमार दिखते हो। चलिए ट्रांसलेशन कीजिए, यू लुक सिक। यू लुक सिक, तुम बीमार लगते हो। अगला क्वेश्चन, खुशबू से यह अमरूद मीठा लगता है। मीठा लगता है, तो लगना या दिखना के लिए आप लुक्स का यूज कीजिए। खुशबू से यह अमरूद मीठा लगता है, तो चलिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, दिस गुआवा लुक्स स्वीट विथ सेंट। खुशबू से यह अमरूद मीठा लगता है। अगला क्वेश्चन, यह सेब खाने में मीठा है। दिस एप्पल इज स्वीट इन ईटिंग। यह सेब खाने में मीठा है, यहाँ पर देख लीजिए स्वीट, तो स्वीट में आईएनजी नहीं लगी है बल्कि ईटिंग में लगी है, खाने में, है ना, खाने में, पीने में। अगला सेंटेंस, यह दवा कड़वी नहीं लगती। यह दवा कड़वी नहीं लगती है, यह दवा कड़वी नहीं लगती है, लगना या, है ना,
लगना या प्रतीत होना। ध्यान से देखिए, यह दवा कड़वी नहीं लगती, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा। आप इसको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बोल सकते हैं, यह दवा कड़वी नहीं प्रतीत होती है। इसको ऐसे भी आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो चलिए इसका इंग्लिश बना लेते हैं। दिस मेडिसिन डज नॉट सीम बिटर। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन, मुझे दरवाजे पर कोई दिखाई दे रहा है। मुझे दरवाजे पर कोई दिखाई दे रहा है। आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में करना है और हमें लिखकर भेजना है। चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस लॉकडाउन में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, है ना, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।